शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिक्षा के एक और मंदिर की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया स्थित 30.35 करोड़ की लागत से बने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से बदलते भारत को और 2017 से बदलते उत्तर प्रदेश को सभी लोगों ने देखा है। सबको बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब प्रदेश में अच्छी सड़कों और बिजली की सुविधा हर गांव तक पहुंच रही है। पहले किसानों का धान क्रय नहीं होता था तथा औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी होती थी, पर आज कई केंद्र बनाए गए हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद होती है और पैसा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबको सुरक्षा का माहौल दिया। पहले पर्व पर कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन आज कर्फ्यू तो दूर की बात है, कोरोना काल में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में बंद प्रदेश के विकास के रास्ते को 2017 में बीजेपी सरकार ने खोला तथा पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में सड़क, बिजली, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बदहाल था तथा गरीबों को राशन तक नहीं मिलता था। अब तो चौड़ी सड़कों का जाल बिछ गया है तथा सबको सुरक्षा की गारंटी और शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। सबको पर्याप्त बिजली मिल रही है एवं गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय बनने से क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा गोरखपुर स्वास्थ्य व शिक्षा का हब बन गया तथा 2016 में यहाँ विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एम्स मिला। अगले माह इसका उद्घाटन होगा तथा 1990 में बंद खाद का कारखाना अगले एक माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किसानों को समय से खाद व नौजवानों को नौकरी मिलेगी। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है तथा उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। अब तो जंगल कौड़िया मंगल कौड़िया बन रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी की शिक्षा की पहचान नकल उद्योग की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नवीन परीक्षा का सबसे बड़ा प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने हर महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाने का भी निर्देश दिया ताकि युवाओं को रोजगार में दिक्कत नहीं आए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला तथा कोई भी व्यक्ति इस पर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि आज माफिया जेलों में है तथा उनकी अवैध संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चलता है। जो माफिया जेल से आता है तो कहता है योगी बाबा माफ करें। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने कोरोना काल में अपने कमरों से ट्विटर खेल रहे थे, तब मुख्यमंत्री योगी जनता के बीच उनके कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे तथा मुख्यमंत्री योगी के पिता बीमार हुए, दिवंगत हुए, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक किए। उन्होंने कहा योगी जी में जनता के लिए सर्वस्व अर्पित करने की भावना है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, प्रवीण निषाद, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। Thank you.
ये मील का पत्थर साबित होगा।
हिंदुओं के गौरव, हम सब के मुख्यमंत्री, हम सब के महाराज के चरणों में मैं रवि किशन प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं महाराज जी का, अभिनंदन करता हूं और सदैव करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपके स्वागत बा, प्रणाम बा आपके। श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा विभाग, श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय सांसद, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद राज्यसभा, आपके लोकप्रिय माननीय विधायक जो अभी बहुत सुंदर बोले और बहुत सच बोले और बहुत ईमानदारी से जैसे व्यक्ति हैं, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी एमपीरगंज, माननीय शीतल पांडे जी विधायक सजर्मा, माननीय श्रीमती संगीता यादव जी विधायक चौरी चौरा, श्री संत प्रसाद जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक विपराई, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री रमाकांत निषाद जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री रमाकांत निषाद जी चेयरमैन, श्री ब्रजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख, विजय शंकर यादव जी, सबका छोड़ दें। अच्छा, सबके समाप्त, सब लोगों के एक साथ मंच पर सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा मैं महाराज जी हूँ, गेहूँ को बुरा ना लगे। कुल माई बहन लोग ऐसा बैठल है, आज कुल व्रति है, भोरे से कुल भैया बाबा लोग आज सब लोग व्रति है, अष्टमी है, माई सब पे कृपा करे, दुर्गा माई का कृपा एकदम अपरंपार है। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद हमारी भारत और हमारे उत्तर प्रदेश 2017 के बाद जैसे चमचमाए लगल हो, बंदन अगर कबो सोचले रहला कि यहाँ एगो इतना बड़ा एगो विश्वविद्यालय मिली, ब्रह्मनिधि महंत अवैध महाराज जी के जो 5 बार के विधायक रहलन, आज उनकी कितना अच्छा लगत हुई हो। महाराज जी सभी मूर्ति के टाइम का है, बहुत सुंदर मूर्ति बनल, एकदम जीवित मूर्ति, बिहार का कोनो कारीगर बनौलन, तो कोई मुख्यमंत्री की बतावत रहल, उनके लगन आज विधायक जी के कितना अच्छा लगत हुई अवैधनाथ महाराज जी के। आज धरती पर शिक्षा का केंद्र बन गया, ज्ञान एगो ज्ञान का केंद्र आज गोरखपुर बन गया, लाइन से देखा तो मेडिकल कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के, लाइन से देखा तो शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन का केंद्र, हायर एजुकेशन, सैनिक विद्यालय, एम्स, रिंग रोड अभी मारा 1300 करोड़ का पारित भाई, जंगल मोरिया से कटोरा नियम बा, वो समस्या महाराज जी अगले साल तक निपटा दी है, हैदराबाद का कंपनी आए बाके, तो विरोधी लोग के पास वही एक है और कुछ नहीं है, अरे पानी जमा हो था, पानी देखा, हम विरोधी लोग तो बोला कौन चिंता मत करा, अगले साल जाए फुल पानी पी ले, बाकी कितनी चीजें कितनी व्यवस्थाएं जो कि तो सोच ईमानदार कानून सबके लिए बराबर।
गाड़ी खटारा लेने घूम रहे थे। अब देखो मर्सिडीज रेंज रोवर और बीएमडब्ल्यू लाइन लगी है उत्तर प्रदेश में। जब गोरखपुर का नाम मैं लेता हूं तो भारतवर्ष के कुछ अत्यधिक विकसित हो रहे जिलों का महानगरों का नाम उसमें आने लगता है। एक ऐसा जिला जो 4.5 वर्षों पहले तमाम प्रकार की चाहे वो मस्तिष्क विकृत हो या तमाम प्रकार की और इंसेफ्लाइटिस हो या कौन बीमारियां हो उससे पीड़ित होकर दिवंगत होने वाले लोगों के कारण जाना जाता रहा हो या यहाँ की असुविधाओं के लिए जाना जाता रहा हो, यहाँ की टूटी सड़कों और जाती हुई बिजली के लिए जाना जाता रहा हो, लेकिन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से प्रगति का परचम इस पूरे जिले में नहीं है आसपास जो लहराया है, मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में आज एम्स भी है, मेडिकल की सारी अच्छी सुविधाएं भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, आयुष विश्वविद्यालय भी हो रहा है, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी हो रहे हैं, कई कई नए नए डिग्री कॉलेज हो रहे हैं, कई कई नए माध्यमिक कॉलेज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स का स्टेडियम हो रहा है, एक चारों तरफ देखें तो विकास की गंगा जैसे बह रही हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो चारों तरफ का जो विकास का वातावरण होगा निश्चित रूप से गोरखपुर का निवासी होने का सौभाग्य आप सबकी छाती को और भी चौड़ा करेगा। मैं आज जिस जंगल कौड़िया में नाम से सुन रहा था तो लोगों से मैंने पूछा कि इसका नाम जंगल कौड़िया क्यों पड़ा, तो लोग कहने लगे विकास की अवधारणा से वंचित क्षेत्र रहा है। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि मुख्यमंत्री बनते ही भी तो सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में काम आपने किया था वो इसी महाविद्यालय को बनाने की घोषणा के साथ आपने किया था और आपका सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा है। आपकी प्रेरणा से मैं कह सकता हूँ कि 30 करोड़ से ऊपर की लागत से ये आज तमाम प्रकार की सुविधाएं इसमें हुआ है। आज छात्रों का छात्रावास, महिलाओं का छात्रावास के साथ साथ आज छात्रों का छात्रावास, यहाँ का ऑडिटोरियम, यहाँ का काउंटी वाल के साथ साथ महाराज जी की अवैधदास जी का चित्र का मूर्ति और तमाम प्रकार की सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम बगल में बनेगा। ये महाविद्यालय निश्चित रूप में दूर दूर तक जाना जाएगा। आज भी जब हम लोग आ रहे थे तब जो प्रवक्ता का शारीरिक शिक्षा का पद था एक पद उसका, एक कंप्यूटर के शिक्षक का पद रह गया था उसको, यहाँ का प्रयोगशाला सहायक था और यहाँ का प्रयोगशाला के परिचर के तमाम पदों को सृजित करने के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक प्रगति का परिचय कि महाविद्यालय बनकर हमारे सामने आएगा। जंगल कौड़िया विकास खंड से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूज्य महाराज जी के नाम पर महाविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद अजय कुमार निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री शंकर प्रसाद जी, डॉक्टर वेंकटेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी,
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोरिया से ब्रजेश यादव जी, विजय शंकर यादव जी, गोरख सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव, गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी समाज प्राचार्यगण, और इस विद्यालय में मुझे बताया गया कि 460 बच्चों ने एडमिशन लेकर के आपके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वस्थ वंदना का कार्यक्रम भी देख रहा था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे इतनी गुणवत्ता के साथ सरस्वती वंदना का एक कार्यक्रम आयोजित करें तो बहुत सराहनीय है, और इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ। महाविद्यालय प्राप्त होने पर भी बधाई और अभिनंदन आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पूज्य बालाजी 4-5 बार यहाँ से विधायक थे। उस समय मानिका विधानसभा क्षेत्र होता था, 5 बार विधायक और 4 बार सांसद थे, और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई बिरला ही परिवार रहा होगा जिससे उनका एक आत्मीय संबंध रहा हो। आज से 30 साल पहले आप जिन लोगों की उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल या से अधिक है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूज्य बालाजी से जुड़े थे। गोरख स्वीट की एक परंपरा ये केवल आध्यात्मिक और धार्मिक मात्र नहीं, धर्म को व्यवहारिक रूप से जीने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वह गोरख स्वीट के आचार्य ने किया था, जहां पर धर्म केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसका व्यवहारिक स्वरूप कि इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति के, यानी इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति की मोक्ष और मुक्ति, यानी उसके जीवन की सफलता के लिए उसे हर एक क्षेत्र में अग्रसर करना, हर एक कार्य निरंतर चलता रहा। वर्तमान में भी गोरख स्वीट के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी के द्वार के नाम पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर इस सत्र में कक्षा संचालन का कार्यक्रम हुआ है और आज इसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, विभाग के राज्य मंत्री को, विभाग के सभी अधिकारियों को और कार्यदायी संस्था के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक श्री प्रतिभाकर सिंह जी, सांसद श्री रवि किशन जी, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जंगल कोड़िया महाविद्यालय और महाविद्यालय में पहले सत्र में इतने बच्चों का प्रवेश हो जाए, प्रवेश में भी मैं देख रहा था अभी यहाँ पर जो हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि 400-373 केवल बालिकाएं और 200-273 बालिकाएं और 217 बालक है, यानी बालिकाएं उच्च शिक्षा में बालकों से आगे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश की भी बालिकाएं इस बात का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, और किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शुभ लक्षण है कि बालिकाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
जैसे सेवा का, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, पालिका इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के कार्य पद्धति को आप देख सकते हैं, गांव गांव और घर घर में जाकर के कोरोना काल खंड में सेवा का जो अनुभव उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। ऐसे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स बनकर के, हेल्थ वर्कर बनकर के जो कार्य किया, बेसिक शिक्षा में जो अध्यापिकाएं हैं रुचि से उस बच्चे पर ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी तो हम लोगों ने कहा एक क्षेत्र जो अब तक अछूता रहता था, मैं देखता था 2017 तक उत्तर प्रदेश में 3 लाख की पुलिस फोर्स में मात्र महिला पुलिस केवल 10,000 थी। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने अगले 4 साल के अंदर 20,000 नई बालिकाओं को उसमें भर्ती किया और अब 30,000 पुलिस बल हमारे पास केवल महिला और बालिकाओं का है, जो मिशन शक्ति के माध्यम से हर एक बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे अनुभव उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज हम यहाँ पर जंगल कोडिया में जिस महाविद्यालय का लोकार्पण और जिस मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गोरखपीठ ने पहला महाविद्यालय महिलाओं का 1956 में स्थापित कर दिया, जिसे बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान स्वरूप उपलब्ध करा दिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की आभार बालिकाओं का पहला इंटर कॉलेज 1950 के दशक में ही बन चुका और उसके उपरांत आज भी आप देखते होंगे 4 दर्जन से अधिक जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जितने बालक हैं उतनी बालिकाएं उन सब में अध्ययन कर रही हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वे सभी बालिकाएं समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, समाज के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और जंगल कोडिया में महाविद्यालय जिसमें 1 साथ 3 सगाई प्रारंभ हो रहे हैं, विज्ञान भी, वाणिज्य भी और कला भी, मुझे प्रसन्नता है उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर सभी शिक्षकों की तैनाती के साथ ही यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी बनाई है, अच्छा यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्लासरूम बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना अच्छा, यहाँ पर पुष्टि हॉल भी बना है, ऑडिटोरियम भी बना है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय के पास या शहरी क्षेत्र में भी इससे अच्छा कैंपस नहीं हो सकता है जो आपको जंगल कोडिया में उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए जंगल कोडिया और कैंटेरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। क्या करना, श्रीमद् भगवद गीता भी शिक्षा के महत्व को स्वीकारता है, जैसे भी भारती मनीषा ने शिक्षा के महत्व को सदैव महत्व दिया और आज यहाँ पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगी, उनके रहने के लिए व्यवस्था, 60 बालिकाएं और लगभग इतने ही बालक इस कैंपस में छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। यह सुविधा को छात्रावास में यहाँ पर दिए गए, खेलकूद की अच्छी व्यवस्था, बहुत शीघ्र यहाँ पर ये स्टेडियम भी बनकर के पूरा तैयार होगा। और मुझे लगता है कि खेलकूद की गतिविधियों के साथ न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के इंटर कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। सार्वजनिक शिक्षा और कंप्यूटर के लिए भी यहाँ के प्राचार्य जी ने अपना प्रस्ताव भेजा था और शासन ने उसको भी अपनी स्वीकृति दे दी है कि बहुत शीघ्र कंप्यूटर और सार्वजनिक शिक्षा का भी यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा, बच्चे उसमें भी एडमिशन ले पाएंगे। जंगल कोडिया का क्षेत्र तो हमारे यहाँ वैसे भी पहलवानों का क्षेत्र माना जाता है, तो पहलवान होते थे गांव गांव में अखाड़े थे और अब आधुनिकता में लोग उससे भूल है। लेकिन याद करिए
अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान स्वर्ण पदक जीत रहे थे, तो सरकारें घोषणा कर रही थी कि मुझे पैसा देंगे स्वर्ण पदक पर। ओलंपिक में राज्य सरकार 6 करोड़ रुपए उस पहलवान को देती है, रजत पदक पर 4 करोड़ देती है, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देती है, इतनी अच्छी राशि दी जाती है इसलिए जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ पर आपको कुश्ती और अत्याधुनिक कुश्ती हॉल भी मिला है, ऑडिटोरियम भी मिला है इंडोर गेम के लिए, और एक अच्छा स्टेडियम भी आपको प्राप्त होने वाला है जो बहुत शीघ्र बनेगा, जो यहाँ के नागरिकों के उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय को और एक नया प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। नया विद्यालय है, नया महाविद्यालय है, नए परिवेश है, शिक्षा का माहौल जिस प्रकार से यहाँ की टीम बनाएगी, जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर प्रारंभ होगी, रचनात्मक गतिविधियां प्रारंभ होगी, यह आने वाले समय के लिए न्यू बनेगी शिक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के। और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो आचार्य हैं, यहाँ पर जो आचार्यगण तैनात किए गए हैं उनके ऊपर, और साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पहले वर्ष में प्रवेश होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए। महाविद्यालय खुलते हैं प्रदेश में, हम लोग लगभग 77 महाविद्यालय खोल रहे हैं, महाविद्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान आए हैं, आपके जीवन के अनुकूल क्षण बनने जा रहे हैं, आपके प्रवेश के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना, और पाठ्यक्रम का प्रारंभ होने के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम अन्य तमाम रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र भी तो महाविद्यालय को बना सके, जो भारत और भारतीयता के लिए और आने वाले समय में एक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार भी बन सके, और हमें उस दिशा में नए प्रवेश नए दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता। दूसरा, लाइब्रेरी अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, अगर इन गतिविधियों का केंद्र भी तो आप अपने आप को बना सकेंगे अति उत्तम होगा, आपको आगे अलग अलग प्रतिस्पर्धा में यह सब उपयोगी साबित होगा, और इस दिशा में हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, लाइब्रेरी को डिजिटल बना दें, और मैं चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को वर्तमान में हम लोगों ने नियंत्रित किया है, लेकिन कल ये पलट करके फिर वापस आ जाए कोई भरोसा नहीं, सतर्कता सावधानी आवश्यक है। ये स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के लिए राज्य सरकार ने विभाग ने अच्छा काम किया, लेकिन हमें उस दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि कब ऑनलाइन क्लास को फिर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए, उस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य का एक हब बन रहा है, प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 2016 में गोरखपुर में एम्स मिला, एम्स का कार्य पूरा हो चुका है, अगले एक महीने के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से गोरखपुर के एम्स का उद्घाटन होगा, और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर में ही प्राप्त होगी। फर्टिलाइजर का कारखाना 1990 में बंद हो गया, लेकिन आज फर्टिलाइजर का कारखाना आप देख रहे होंगे बड़ी सी चिमनी बन चुकी है, और फर्टिलाइजर का कारखाना अगले एक महीने के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, इसका भी लोकार्पण होगा, भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का होगा, किसानों को समय पे खाद मिलेगी, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा फर्टिलाइजर कारखाने में प्राप्त होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा, गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ
कॉलेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है, सहजनवा में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, पिपराइज में चीनी मिल का निर्माण होकर के वहां पे चीनी उत्पादक का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उस विकास का रास्ता खुला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भाइयों बहनों, जब विकास आगे बढ़ता है तो यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आता है। आज ये चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो ये राशन मिल रहा है, सरकारें पहले भी थी, अब सड़कें अच्छी नहीं, सरकारें पहले भी थी तब बिजली नहीं आती थी, सरकारें पहले भी थी तब जंगल कोड़िया में महाविद्यालय आरटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे, सरकारें पहले भी थी तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था, सरकारें पहले भी थी तब सुरक्षा की गारंटी न बहन बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा, बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को मिलना, जिसके पास मकान नहीं उसको आवास की सुविधा, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनाने की व्यवस्था, जिसके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं, मुझे याद है यहाँ पढ़नी गांव में बिजली नहीं थी और पढ़नी गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे 1998 में 10 लाख रुपए देने पड़े थे, 1 करोड़ की सांसद निधि थी उसमें 10 लाख रुपए मैंने एक गांव के लिए दिए थे। और आज बिना मांगे हर गांव में बिजली का कार्य हो रहा है, हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। पहले धान का क्रय नहीं होता था, यहाँ पे जंगल कोड़िया में प्रधान जी है रामचंद्र सिंह जी, इनकी खेती बाड़ी है और ये खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको अपना धान, अपना गेहूं, अपना केला कुछ भी बेचना होता था, पैसा नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था। और आज क्रय केंद्र जगह जगह लगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की उपज को खरीदने का कार्य भी सरकार कर रही है और पैसा डीबीटी के माध्यम से खाते में, किसान के खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बदलाव उत्तर प्रदेश में, आज सुरक्षा सबको, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पर्व और त्योहारों में आप देखते होंगे भाग जाता है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सब मनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक नियति से जब कार्य होता है तो वह परिणाम भी देता है और ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, कोरोना था तब पर्व त्योहार नहीं थे, कोरोना चरम पर था, कोरोना को उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नियंत्रित किया, पर्व और त्योहार आए, आज हम लोग कोरोना को पूरी तरह रोकने में सफल हो गए हैं और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हम मनाने का भी कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है, यानी कोई कल्पना भी नहीं करता 2017 के पहले, लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश भी विकास करेगा तो उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा, देश की जितनी योजनाएं थी सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहा था। और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नंबर एक पर, ये है मेरा उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सुरक्षा का सबसे अच्छा वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश आज एक नए उभरते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये उभरता हुआ उत्तर प्रदेश सभी के सहयोग से हम सबको, उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के अपनी ताकत का एहसास कराना है कि हमें उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। मुझे कार्यक्रम में आने में देर लगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई योजना दी है, वह नई योजना है गति शक्ति की, एक नए युग में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे
कहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, कहीं पर हाईवे, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करके, कहीं पे एयरपोर्ट का निर्माण करके भी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर में हो रहा है। एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुशीनगर में प्राप्त होगा। मेडिकल के क्षेत्र में हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोग दे रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर में था, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज नहीं था, सुल्तानपुर में नहीं था, प्रतापगढ़ में नहीं था, जौनपुर में नहीं था, गाजीपुर में नहीं था, चंदौली में नहीं था। और आज भाइयों बहनों मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, आज देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज है, कुशीनगर में भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। प्रधानमंत्री जी से 20 तारीख को उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना करके पिछले सत्र में प्रारंभ कर चुके हैं। बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं। गोंडा में भी नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहराइच में विगत सत्र में हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में प्रारंभ कर दिए हैं। सुल्तानपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। प्रतापगढ़ में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज मैं भी शिलान्यास किया हूँ एक सप्ताह पहले जाकर के चंदौली में। और गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्रवेश, बच्चों का प्रवेश करके एडमिशन करके वहां अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पहले एक ही मेडिकल कॉलेज की बात, इतने मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिए। यानी सोच ईमानदार होती है तो काम ऐसे ही कमदार होता है। दमदार काम जो दिखाई दे, दमदार कार्य वह नहीं जो रवि किशन जी जोर से बोलकर के बोल रहे थे। और मैंने दमदार अभिनय किया है भोजपुरी फिल्मों में, वो कोई संदेह नहीं। रवि किशन जी की फिल्मों को देखते हैं, फ्री में दिखाते हैं कि पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं या फ्री में? फ्री में। लेकिन मेरे को फ्री में बोल रहे थे मंच पे। उन्होंने जब मंच पे बोला तो उन्होंने यही कहा, बोलने के बाद जब बैठे तो उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कहा कि जो बोला हो इसका बिल आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वे अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, और इसीलिए कलाकार रचनात्मक होता है। उस रचनात्मकता का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके। जिससे हम लोगों ने यहाँ पर रवि किशन जी को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाया, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, वे सांसद बने, आज आपकी सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए मंच से फ्री में कह भी रहे हैं कि सोच ईमानदार तो काम, इसीलिए कहने की इतना बोलने पे उनका लाखों का बिल बन गया होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि पर ये महाविद्यालय आपको प्राप्त हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और श्रीमती नीलमा कटियार जी स्वयं यहाँ पर नवरात्रि के अपने मुस्कान को छोड़कर के आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। 2017 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई थी वो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए, जिसने संकल्प लिया, ऐसी सरकार वो नहीं आई थी। व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेती हुई 2017 के अंदर गोरक्षपीठ धाम के सम्मानीय पीठाधीश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार आई थी,
प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं।